गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेकर आ गया हूं रेलगाड़ी के अगला पार्ट, यानी अभी तक आपको टैप टू पढ़ाया जा चुका है। इससे पहले टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो के द्वारा पूरा टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के द्वारा समाप्त किया जा चुका है। उसका आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेलगाड़ी से पूछे जाते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन से ही क्लियर होगा क्योंकि ऑलरेडी आप समय दूरी चाल का फॉर्मूला पहले से ही जान रहे हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के द्वारा प्लस आपके असाइनमेंट से क्वेश्चन के द्वारा क्लियर करने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ऐसा ट्रिक आपको बहुत कम देखने को मिलता है। यदि आप बुक में इस प्रकार के क्वेश्चन को देखें तो बहुत लॉन्ग में बनाया हो रहा था, लेकिन आपको एक दो क्वेश्चन समझने में जो भी टाइम लग जाए उसके बाद बिल्कुल आप क्वेश्चन देखिएगा और सेकेंडों में आंसर आएगा। तो आप हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखिए, देखिए आगे टैप टू। आप जरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए है क्योंकि जो टाइप वन यदि आप नहीं देखे हैं तो रेलगाड़ी का टाइप वन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लेगा, उसको जरूर देख लीजिए। पहले देखिए, टाइम पहले ही मैं बता चुका हूं, टाइम डिस्टेंस, रेलगाड़ी, नाव, धारा और रेस, ये चार चैप्टर में रेगुलर बताने वाला। टाइम डिस्टेंस हो गया, रेलगाड़ी का ये दूसरा टाइप है। पहला टाइप आप जरूर से जरूर देखिएगा, बेसिक टाइप है। किस प्रकार से हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं और समय ज्ञात कर सकते हैं। यहां भी फॉर्मूला तो वही यूज होने वाला है क्योंकि तीन ही शब्द से पूरा टाइम डिस्टेंस बना हुआ है। ये चारों चैप्टर क्या, चाल, दूरी और समय, यही तो है। तो यहां देखें, आपको फॉर्मूला अलग से आप पहले से जान चुके हैं, टाइम डिस्टेंस में पढ़ा चुका हूं पहला टाइम में भी, और आप चेंज करने के लिए भी जान ही चुके हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो देखिए, बड़ा से छोटा बदलना है तो छोटा ऊपर यानी 5/18, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुणा। यूनिट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं, मैं दो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, जो भी समय लगे आप बारीकी से समझिए, क्योंकि ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया तो मेरे असाइनमेंट का टाइप टू का लगभग टोटल क्वेश्चन आपसे बनने वाला और बहुत जल्द बनने वाला। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकली मैं बता रहा हूं, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता है, तो बताएं रेलगाड़ी की चाल एवं लंबाई क्या। एक्चुअली मैं आपसे कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो चाल या तो लंबाई, लेकिन मैं आपको दोनों बता दिया हूं ताकि आपका कंसेप्ट, मतलब इसमें दो क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन, मतलब ये चार क्वेश्चन हो गए। तो आइए देखिए क्लियर करते हैं। यहां देखिए, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितना है, तो लंबाई दिया 50 मीटर, और वही ट्रेन एक व्यक्ति है। अब व्यक्ति का तो कोई लंबाई नहीं होता क्योंकि वो खड़ा वस्तु है, तो उसको पार कर, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 14 सेकंड में, व्यक्ति को पार कर रहा है 10 सेकंड में। बस ये आपका क्वेश्चन है। अब बोल रहा है रेलगाड़ी की चाल और लंबाई ज्ञात करें, बिल्कुल बारीक बारीकी ट्रिक से आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल तरीका से। देखिए कंसेप्ट मैंने टाइप एक में आपको बताया था, नोट लिखा के टाइप एक जरूर से जरूर देखिए। क्या बताए थे कि जब कोई रेलगाड़ी, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी खंभा, किसी पोल, किसी सिग्नल यानी किसी खड़ा वस्तु को पार करता है तो रेलगाड़ी की लंबाई दूरी होता है। यानी कि व्यक्ति को पार कर रहा है तो समझिए रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार कर रहा है, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई दूरी होता है। खंभा को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार कर रहा है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, गुफा को पार करे या दूसरे ट्रेन को पार करे तो दोनों की लंबाई क्या होगा, जुटेगा। हर हाल में दोनों की लंबाई जुटेगा। बाकी चाल के बारे में आपको बताएंगे अलग कि चाल कब जुटता है और कब घटता है, लेकिन लंबाई हर हाल में, चाहे तो वो समान दिशा हो चाहे विपरीत दिशा हो, जुटेगा। फिर से, जब व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है, जब प्लेटफॉर्म के पार करेगा तो दोनों की लंबाई जुटेगा। अब समझिए, यहां पर देखिए कैसे हम लोग तुरंत आंसर लेंगे। व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रहा है, तो व्यक्ति को पार करना मतलब अपने आप को पार करना, प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब अपने आप को और प्लस 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो बोलिए सर, यहां भी तो अपने आप को पार कर रहा था, यहां भी अपनी लंबाई तो पार कर ही रहा, साथ ही 50 मीटर ज्यादा पार कर रहा, क्योंकि प्लेटफॉर्म बढ़ गया, इसमें दोनों जुटेगा। अब सोचिए, ये 50 मीटर बढ़ने के कारण समय कितना बढ़ गया, समय कितना बढ़ गया, तो बोले सर 10 सेकंड के जगह 14 सेकंड हो गया, यानी 4 सेकंड बढ़ गया। तो ये 4 सेकंड बढ़ा क्यों, ये 50 मीटर प्लेटफॉर्म बढ़ा इसलिए, इसका मतलब आपको पता चल गया होगा, ये 50 मीटर के बदले ही तो 4 सेकंड बढ़ा है, यानी 50 मीटर जाने में ट्रेन ले रहा है 4 सेकंड। बोले कि तब तो क्लियर ही है, 50 मीटर दूरी 4 सेकंड समय, 50 मीटर दूरी 4 सेकंड समय, आपको क्या ज्ञात करना है, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा
समय, दूरी हो गया आपको कितना 50, समय कितना हो गया 4। अब इसको आप काट सकते हैं, काट दीजिए 12.5 मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड में है तब तो ठीक है, यदि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आप इसको 18/5 से गुणा कर सकते हैं। दूसरा ये तो हो गया 4, दूसरा मैं आपको बताता हूं दूरी। आप देखिए दूरी मतलब कि पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, तो ट्रेन की लंबाई, लंबाई मतलब होता है दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो बोलिए सर चाल तो लिया है 12.5, चाल कितना लिया 12.5 मीटर प्रति सेकंड में, समय तो डबल दिया हुआ है प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, व्यक्ति को 10 सेकंड। तो जब कभी भी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना हो तो व्यक्ति खंभा सिग्नल इसका वाला समय से गुना करिए, डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई आएगा। बोले सर हम इसका वाला समय से क्यों नहीं गुना करेंगे, तो 14 से गुना करेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई घटाना पड़ेगा, मतलब 50 घटाना पड़ेगा, आंसर तो आ ही जाएगा। तो डायरेक्ट हम व्यक्ति वाला से ही समय से गुना कर देते हैं, क्योंकि व्यक्ति को पार करना मतलब ट्रेन की लंबाई दूरी होगा, तो यहाँ गुना कितना 10। फॉर्मूला तो यही लग गया, यहाँ देखिए चाल बराबर दूरी बराबर समय, यहाँ चाल निकल गया, फिर लंबाई यानी दूरी बराबर चाल गुना समय, फॉर्मूला तो यही इस्तेमाल है, 0.0 कैंसिल, 125 मीटर, यानी ट्रेन की जो चाल होगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर में ऑप्शन रहेगा 18/5 से गुना कर देंगे, आपको पहले से भी पता है, बहुत सारा क्वेश्चन आप टाइप 1 में बना चुके हैं। और यदि आपको लंबाई, तो लंबाई तो मीटर में ही देगा, तो लंबाई बराबर चाल गुना समय, चाल मीटर प्रति सेकंड में, समय 10 सेकंड, आगे आंसर 125 मीटर। क्लियर है, समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हर बार खंभा कोई पार करे या तो फिर व्यक्ति कोई पार करे, हो सकता है दोनों बार दो अलग अलग ट्रेन को पार करे। क्लियर है, तो यहां देखिए ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उसके बाद एग्जांपल और बहुत सारे एग्जांपल से क्लियर करने वाला हूं। एक रेलगाड़ी 175 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में, जबकि 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई। सबसे पहले तो देखिए पहला प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 1 कितना है तो 175 मीटर है, जिसको पार करने में 22 सेकंड। प्लेटफॉर्म 2 कितना है तो 2 है 220 मीटर, जिसको पार करने में 25 सेकंड, कितना सेकंड 25 सेकंड। क्लियर है, प्लेटफॉर्म 1 को पार करने में 175 मीटर है 22 सेकंड, प्लेटफॉर्म 2 को पार करने में 25 सेकंड। आप जरा समझिए एकदम सिंपल तरीका, यहां करना क्या है, यहां दूरी का अंतर कितना है 175 मीटर 220 मीटर, बोलिए 45 मीटर। यहाँ समय का अंतर कितना है, बोलेगा 3 सेकंड। ये 45 मीटर के कारण ही 3 सेकंड बढ़ा है, क्यों, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म को 1 पार करेगा, प्लेटफॉर्म 1 को तो भी वही ट्रेन है, प्लेटफॉर्म 2 को पार करेगा तो भी वही ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई तो दोनों स्थिति में सेम ही है। तो यहाँ 175 मीटर प्लेटफॉर्म था, यहाँ 220 मीटर, बढ़ा कितना 45 मीटर, 45 मीटर बढ़ने के कारण कै सेकंड बढ़ गया 3 सेकंड, यानी 45 मीटर जाने में 3 सेकंड। तो बोले तब तो कोई दिखते नहीं सर, चाल डायरेक्ट निकल रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, 45/3 हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि चाल हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। यदि ऑप्शन में दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, तब तो आप जान ही रहे यहाँ 18/5 से गुणा कर देंगे। क्लियर, अब आइए आपको दूरी निकाल देता हूं, दूरी, दूरी बराबर क्या होगा, तो बोले सर दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो चाल तो आप ले आए 15 मीटर प्रति सेकंड, समय, समय 22 सेकंड भी है 25 सेकंड है, तो यहाँ आप किसी से भी गुना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो खंभा है ना तो व्यक्ति है, दोनों स्थिति में ट्रेन ही है, यानी दोनों स्थिति में आपको घटाना ही पड़ेगा। यदि 22 से गुना करते हैं तो 175 घटाना पड़ेगा, 25 से गुना करते हैं तो 220 घटाना पड़ेगा, आपकी मर्जी है जितना से गुना कर दीजिए। चलिए 22 से गुना करता हूँ, 22 से गुना करेंगे जितना आएगा उसमें 175 घटा देंगे, क्योंकि 22 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, मतलब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। अब 22 15 दूनी 30 हो गया, 0 15 दूनी 30 और 3 33, 330 में से 175 घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो बच जाएगा इधर से आपको 330 30, और कितना बच जाएगा आपका, घटा दें 10 में से 5 घटा 5, ये कितना हो गया 32, 32 में 17 घटेगा 15, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका आंसर हो गया 155 मीटर। फाइनली आपका बच जाएगा 155 मीटर, मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वो आ जाएगा 155 मीटर। आप चाहें तो यहां से बना सकते हैं, 25 से गुना कर दीजिए, 25 से गुना करिए 375 375 में, फिर आपको 375 में फिर आपको ये 220 घटाना पड़ेगा, तो भी आपको 155 ही आएगा, यानी फाइनली ट्रेन की लंबाई 155 मीटर। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट से शुरू करते हैं, टाइप 2।
आप रेगुलर देखिएगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि रह गया तो दूसरा तीसरा निश्चित रूप से लास्ट होते हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार का क्वेश्चन आप देखते ही बना लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, ये सिर्फ ज्यादा दे दिया है। कह रहा है कि देखिए यहाँ चाल दे दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी, ऑलरेडी रेलगाड़ी का चाल दे दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अब देखिए एक प्लेटफॉर्म भी यहाँ दिया है, एक प्लेटफॉर्म भी दिया है, कितना, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, एक सिग्नल भी दिया है, सिग्नल माने खंबा, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः, मतलब सिग्नल को पार कर रहा है कितना, तो 12 सेकंड में, और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है कितना, 27 सेकंड में। तो बोल रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन, यहाँ पर आप वो दिमाग लगाइए जो अभी दो क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल दे दिया है। जब चाल दे ही दिया है तो फिर चाल निकालने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। लंबाई मतलब क्या होता है, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन आ गया, सिर्फ ये वाला फालतू में दे दिया जिसमें आप फंस सकते हैं। ऐसे इधर से भी बनाइए तो आंसर आएगा, लेकिन जब इजी वे में बन रहा है कि जब यही रेलगाड़ी इस सिग्नल को भी 12 सेकंड में पार कर ही रहा है, तो सिग्नल को पार करना मतलब अपने आप को पार करना, तो डायरेक्ट सिग्नल वाला समय से ज्ञात गुना कर देंगे। चाल तो दिया हुआ है ये 60, इसको 5/18 से गुना कर देते हैं क्योंकि मीटर में आपको लंबाई लाना है। अब यहाँ पे 12 सेकंड सिग्नल को पार करना, बोलिए कि सर 27 से काहे नहीं गुना कर सकते, 27 से गुना करेंगे तो फिर 250 घटाना पड़ेगा, तो सिग्नल से ही गुना कर दिए, कितना से 12 से काटिए, काटेंगे यहाँ से 6 × 12, 6 × 18, 3 × 20 = 60, 25 100, 100 × 200, यानी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। मतलब ये तो टाइप एक का क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट चाल दिया हुआ है, सिग्नल को पार कर रहा है 12 सेकंड में, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, फालतू में ये दे दिया। आपका आंसर आ गया 200 मीटर, आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में, एकदम सेम वही क्वेश्चन जो एग्जांपल मैंने आपको बताया है। सिग्नल पोल, सिग्नल पोल बोलिए, खंभा बोलिए, व्यक्ति बोलिए, वृक्ष बोलिए, सबको पार करना मतलब ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है। तो सिग्नल पोल को 11 सेकंड में पार कर रहा है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना, 24 सेकंड में पार कर रहा है, 24 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अब लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले आपको चाल चाहिए, तो आपका माइंड में आ ही गया होगा कि सर सिग्नल पोल को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, प्लेटफॉर्म 260 बढ़ गया तो अपनी प्लस प्लेटफॉर्म बढ़ने के कारण ही 11 सेकंड से 24 सेकंड हो गया। कितना सेकंड बढ़ गया? तो बोले सर 13 सेकंड। ये 13 सेकंड बढ़ा किसके कारण? ये 260 के कारण ही। तो यहाँ से चाल ज्ञात हो जाएगा, पहले चाल ज्ञात करिए तभी तो लंबाई ज्ञात करिएगा। तो आ जाइए यहाँ पे, हो जाएगा कितना, 260 और बटा 13, 13 × 26, यदि चाल पूछता तो आंसर हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आपसे पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई, लंबाई माने दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल है 20, चाल है 20, और किसका समय से गुना करें ताकि ट्रेन की लंबाई डायरेक्ट ज्ञात हो जाए? तो बोले सिग्नल पोल वाला से गुना कर दीजिए, यदि इससे गुना करिएगा तो 260 घटाना पड़ेगा, तो चलिए 11 से गुना कर देते हैं, 11 × 22 यानी 220 मीटर। तो चाल पूछता 20 मीटर प्रति सेकंड, लंबाई पूछ रहा 220 मीटर, तो 220 मीटर आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन में तो 220 दिया हो नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, देखिए फिर उस प्रकार के क्वेश्चन आ गया, डबल पुल दिया हुआ है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल, चलिए पुल 1 जिसकी लंबाई 800 मीटर, पुल 2 जिसकी लंबाई 400 मीटर, बिल्कुल इजी वे में बनेगा आपसे, 400 मीटर को क्रमशः इसको पार कर रहा है 100 सेकंड में, 800 मीटर लंबे पुल को 100 सेकंड में, और ये 400 वाला है इसको कर रहा है 60 सेकंड में। तो पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? आपका माइंड में तुरंत आएगा कि सर पहले चाल निकाल दीजिए, चाल के लिए तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। देखिए 800 400 अंतर कितना 400, यहाँ समय में अंतर कितना 40, यानी 400 मीटर जाने में 40 सेकंड अंतर की तुलना, अंतर से 400/40 काटेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। यदि चाल पूछता तो आंसर हो गया, लेकिन पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई, लंबाई मतलब होता है क्या, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल आपने लगाया 10,
और समय या तो 100 सेकंड या 60 सेकंड, लेकिन 100 से गुना करिए तो 800 मीटर घटाना पड़ेगा, 60 से गुना करिए तो 400 मीटर घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्थिति में पुल को ही पार कर रहा है। आपकी मर्जी है, चलो भाई 100 से ही गुना कर देता हूँ तो 800 घटाना पड़ेगा, तो 800 घटाएंगे, ये 10 है गुना 100, 1000, 1000 में से 800 घटेगा, घटा के कितना आएगा 200। इधर से भी आप चाहें तो 60 से गुना कर, यहाँ 60 से गुना करेगा लेकिन 400 घटाना पड़ेगा, तो भी आपका आंसर आएगा 200, यानी कि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। ऑप्शन सिमिलाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फिर से वही क्वेश्चन उसी प्रकार से। देखिए आपको खुद लगे कि आपसे बन जाना चाहिए। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को, अब स्टेशन पहला है जिसकी लंबाई 108 मीटर है, इसको पार कर रहा है कैसे सेकंड में, 12 सेकंड में, 12 सेकंड में, एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को, एक स्टेशन दूसरा है जिसकी लंबाई 164 मीटर है, इसको पार कर रहा है कितना, 16 सेकंड में, कितना पार कर रहा है 16 सेकंड में। तो बोल रहा है बताइए रेलगाड़ी की लंबाई का, फिर से लंबाई पूछ रहा है, लेकिन चाल भी पूछ सकता है। तो चलिए बोले कि सर तुरंत आपके माइंड में आया होगा कि चाल, यहाँ 108 मीटर, यहाँ 164 मीटर, अंतर कितना के, तो बोले कि 56 मीटर के, कितना के 56, और यहाँ अंतर कितना के 4 सेकंड के, तो ये 56 के कारण ही तो 4 सेकंड ज्यादा लगा, कितना लगा 4 सेकंड, 56 मीटर जाने में 4 सेकंड, तो चाल हो गया 56 बटा 4 हो गया 14 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपसे चाल तो पूछ नहीं रहा, चाल तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर भी गुना कर सकते हैं, तो चलिए चाल यहाँ निकल गया 14 मीटर प्रति सेकंड। हम सभी को तो पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई, और लंबाई मतलब होता है दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल कितना 14, समय या तो 12 सेकंड या तो 16 सेकंड, 12 सेकंड से गुना करेंगे 108 घटाना पड़ेगा, 16 सेकंड से गुना करेंगे 164 घटाना पड़ेगा। चलो भाई आपसे मर्जी जो भी गुना कर दो, चलो 12 से गुना कर देते हैं और इसमें घटा देंगे 108, 16 से गुना करेंगे तो 164, 12 से 14 को गुना करेंगे, 12 चौक 48 के 8 बचा कितना 4, 12 के 12 4 16, 168, 168 में से 108 घटेगा 60 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 60 मीटर। आप ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इस प्रकार के तो जो अभी हम लोग देखें, 4 क्वेश्चन प्लस 2 एग्जांपल, 6 क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपसे निश्चित रूप से बन जाएंगे। वीडियो को आप दोबारा देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेगा, बाकी कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके क्वेश्चन टाइप 2 में है तो देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपली आपसे बनेगा, किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाइयां, किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाइयां बराबर है, क्या है बराबर है, यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को एक मिनट में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई क्या है। तो सिंपल देखिए, पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन दोनों की लंबाई आपस में बराबर है, एगो एक्स तो दूसरा भी कितना एक्स, यहाँ बोल रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, लंबाई मैंने होता है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। बोले एक सर जब दोनों की किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, ये रेलगाड़ी है मतलब ये ट्रेन हो गया, ये प्लेटफॉर्म हो गया, दोनों की लंबाई बराबर है तो लंबाई तो हर हाल में जुटेगा, तो जुटेगा तो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बराबर चाल, तो प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, यहाँ ट्रेन चल रहा है कितना 90 की चाल से, लेकिन लंबाई मीटर में आता है इसलिए 90 की चाल से किलोमीटर में, तो इसको 5/18, तो ये हो गया दूरी। आपको क्या बताएं, बस तीन ही फॉर्मूला पर बना हुआ है, तीन ही शब्द पर, लंबाई चाल और मतलब दूरी चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी चाल और समय, यही तीन शब्द पर पूरा का पूरा टाइम डिस्टेंस है। तो यहाँ देखिए दोनों की लंबाई आपस में बराबर है, लंबाई बराबर चाल गुना समय, दोनों की लंबाई जुटेगा, चाल 90, 5/18 मीटर प्रति सेकंड में एक मिनट में पार करता है, तो आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड है तो मिनट को भी आपको सेकंड में बदलना होगा, 60 सेकंड, एक मिनट पहले से दिया हुआ, अब आपको ज्ञात कर लेना है कि बताइए गाड़ी की लंबाई क्या है, तो ये हो गया 2x बराबर 18 पचे 90, 5 पचे 25, 25 का 150, यानी यहाँ पे आया 1500, तो 2 से काटेंगे 750, यानी आप कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई 750 मीटर, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछता तो बोलिए वो भी 750 मीटर, क्योंकि दोनों की लंबाई आपस में क्या है बराबर है, क्लियर। ये तो टाइप एक का क्वेश्चन हो गया, सीधा लंबाई दूरी बराबर चाल गुना समय, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये तो आपका टाइप एक का क्वेश्चन आ गया, आप तो देखते ही सोचिए कि बन जाएगा, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो खंभा को पार करना मतलब डायरेक्ट रेलगाड़ी की लंबाई होगा, लंबाई मतलब होता क्या है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है तो चाल गुना समय, बस यूनिट का ध्यान रखना है, चाल गुना समय, चाल दिया हुआ है 60,
गुना 5/18 कर देंगे, कई सेकंड में, 6 सेकंड में। अब तो आंसर क्लियर है, काटिए 6 * 18, 3 से 20 * 60, 5 * 100, यानी आप कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए, फिर से आपसे बने लायक क्वेश्चन। एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को, टेलीफोन पोल मतलब खंभाई हुआ, पार करने में 1 सेकंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया शुरू वाला जो 4 क्वेश्चन हम लोग बनाए। देखें, पोल को, टेलीफोन पोल रहे चाहे कोई पोल रहे, पोल को पार करने में कई सेकंड का समय लिया जा रहा है? 1 सेकंड का। और बोल रहा है 300 मीटर, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कई सेकंड ले रहा है? तो बोल रहा है कि 3 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा? बोले सर लंबाई से पहले चाल तो निकाल लें, तो चाल निकाल जाए। देखिए, पोल को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार कर रहा है 1 सेकंड में, प्लेटफॉर्म 300 मीटर बढ़ गया जिसके कारण 3 सेकंड मतलब कई सेकंड बढ़ा, तो 2 सेकंड। ये 2 सेकंड किसके कारण बढ़ा? 300 मीटर के कारण। तो 300 मीटर जाने में 2 सेकंड, तो यहां से चाल ज्ञात हो गया। चाल बराबर दूरी बटा समय, 300/2, 150 मीटर प्रति सेकंड। चाल पूछता था तो आंसर यही हो, लेकिन पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई, तो बोले सर लंबाई पूछ रहा है ना, तो लंबाई बराबर होता है दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल 150 मीटर, समय 1 सेकंड से गुना कर दीजिए, ट्रेन की लंबाई डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि पोल को पार करना मतलब ट्रेन की लंबाई। शुरू से ही पहला टाइप में आपको रटवा दिए, यहाँ देखिए 3 सेकंड से गुना करिए, 300 घटाना पड़ेगा, तो चलो भाई 1 से ही गुना कर देते हैं, 150 मीटर हो गया आंसर, और क्या, यानी कि यहाँ पे ट्रेन की लंबाई भी आ गया 150 मीटर, ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए पढ़िए क्वेश्चन। एक गाड़ी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में। यहाँ देखिए एक गाड़ी, यहाँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ भी आप फंस सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में समझिए और क्वेश्चन को दोहराना भी है। एक गाड़ी प्लेटफॉर्म को कई सेकंड में? तो बोल रहा है 36 सेकंड में। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, तो व्यक्ति को कई सेकंड में? 20 सेकंड में। कितना सेकंड में? 20 सेकंड में। यदि गाड़ी की गति, गाड़ी का चाल दिया हुआ है, चाल कितना दिया हुआ है? तो बोले सर चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आप समझिए, एकदम डायरेक्ट निकाल देते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई, इतना इजी वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई देखिए डायरेक्ट निकाल रहा हूं, लंबाई कुछ का भी रहे, लंबाई मतलब दूरी ही होता है, क्या होता है? दूरी। और दूरी बराबर एक ही फॉर्मूला होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। अब देखिए ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है 20 सेकंड में, व्यक्ति को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, अपनी लंबाई को 20 सेकंड में। प्लेटफॉर्म को पार करना अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो बोलिया कि सर अपनी लंबाई को तो 20 सेकंड में पार कर गया, प्लेटफॉर्म के कारण 36 सेकंड हो गया, तो यहां भी तो उसकी लंबाई 20 सेकंड माइनस, यानी कि प्लेटफॉर्म के कारण ना 16 सेकंड बढ़ा, यानी कि 16 सेकंड में जितना दूरी तय करेगा वही तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा, क्योंकि 20 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रहा है मतलब अपनी लंबाई को 20 सेकंड, प्लेटफॉर्म 36 सेकंड मतलब 16 सेकंड बढ़ गया, तो प्लेटफॉर्म के कारण ना 16 सेकंड बढ़ा, तो क्लियर हो गया। और क्या, लंबाई में दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल तो वही रहेगा 54, इसको मीटर प्रति सेकंड में 5/18, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है तो डायरेक्ट कितना से? 16 से। यदि पूछता ट्रेन की लंबाई तो 20 से गुना कर देते, क्योंकि व्यक्ति को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे गुना कर देंगे कितना से? 16 से। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात हो जाए, क्योंकि 16 सेकंड बढ़ा प्लेटफॉर्म के कारण। काटिए 18 * 54, 3 * 5 = 15, 15 * 16 करिएगा तो आपका 240 मीटर आ जाएगा, 15 * 16 240 मीटर आ गया, ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आ गया। एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते 21 सेकंड में पार कर जाता है, तो पुल की लंबाई। अब बोले सर ऐसा क्वेश्चन तो टाइप एक में भी बताए थे, यदि आपने टाइप एक देखा है तो, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। सिंपल है, यहां देखिए रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, रेलगाड़ी कितना? 130 मीटर आपको लिखने की इतना जरूरत नहीं है, आपका तो क्वेश्चन में लिखा हो समझने के लिए 130 मीटर। और यहां पे हम लोग से पूछ रहा है कि पुल को पार करता, तो पुल की लंबाई भी मान लो, और लंबाई पूछ रहा है तो माइंड में तुरंत आ गया लंबाई, लंबाई मतलब तो दूरी होता है, और दूरी बराबर होता है फॉर्मूला चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी जुट जाएगा क्योंकि पुल को पार कर रहा है तो दूरी जुटेगा। 130 ट्रेन पी पुल,
बराबर चाल गुना समय, चाल कितना, तो चाल दिया हुआ 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 से गुना कर देंगे। कैसे सेकंड में पार कर रहा, तो 21 सेकंड में। बोलिया कि सर आंसर तो इजी वे में आ जाएगा, काटिए 18 5 90, 5 5 25, 25 गुना 21 करिएगा तो 525 आएगा, 525 में 130 जाके घट जाएगा, 525 माइनस 130 अब घटा सकते हैं, 525 में से 130 घटा दीजिए, 5 में से 0 गया 5, बचा कितना, तो 12, ये 12 में से 3 घटेगा 9, और ये कितना बच गया, तो बोलिए 4, तो 4 में से 1 गया 3, फाइनली 525 में से 130 घटाएंगे 395, यानी कि आप कह सकते हैं जिस पुल को पार किया जा रहा है उसकी लंबाई है 395 मीटर, कुछ नहीं किया, बस टोटल लंबाई निकाल के प्लेटफॉर्म की लंबाई को, सॉरी ट्रेन की लंबाई को घटा दी, पुल की लंबाई 395 मीटर, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको स्किप नहीं करना, वीडियो को अंत तक देखना, और एक जिम्मेवारी आपकी और बनती है, चूंकि आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा बुक का सॉल्यूशन टाइम निकाल के कर पाऊं आपके लिए, तो आप जितने आपके दोस्त हैं, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, कम से कम 10-10 ग्रुप में, 5-5 ग्रुप में तो आप जरूर से जरूर सेंड करें, इतना करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन जब ज्यादा लोग आपके चैनल पे जुड़ने लगेंगे तो आपको ज्यादा, हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे साथ इतने बच्चे हैं जो लाभान्वित है, तो मैं मेहनत करता रहूंगा, और मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं किसी भी बुक का सॉल्यूशन इजी वे में करवा सकता हूं, चाहे वो महेश मिश्र का, सुमित्रा प्रकाशन का आता हो, नवीन गणित का आता हो, किरण प्रकाशन का, एसएससी का आता हो, सभी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बस हमारे साथ आप बने रहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कहता 300 मीटर लंबी एक ट्रेन, अच्छा देखिए इस बार ट्रेन की लंबाई दे दिया, कितना दे दिया, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन, चलिए अब कहता है एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में, जबकि भाई एक सिग्नल पोल को 18 सेकंड में, अब देखिए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को कितना देर में, 39 सेकंड में, और सिग्नल पोल को कितना देर में, तो सिग्नल पोल को पार कर रहा है 18 सेकंड में, कितना देर में, 18 सेकंड में, सिग्नल पोल को पार कर रहा है 18 सेकंड में, तो बोल रहा है बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, अब लंबाई मतलब दूरी होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो बोले सर यहाँ पर तो आपको पहले चाल जानना होगा, तो वो कैसे जानेंगे, तो देखिए 300 मीटर लंबी ट्रेन है, सिग्नल पोल को पार कर रहा है, सिग्नल पोल को पार करना मतलब ट्रेन की लंबाई दूरी होगा, तो यहाँ से तो इजी वे में चाल ज्ञात हो जाएगा, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना 300 बटा 18, आप चाहे तो काट सकते हैं, चाहे तो काट सकते हैं, नहीं तो इतने रह दीजिए 300 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, बहुत ही इजी तरीका से आपको समझाते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना, लंबाई माने होता है दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, बोलिया कि सर ट्रेन के चाल तो हम लोग निकालिए चुके हैं 300 बटा 18, और समय कितना, तो देखिए सिग्नल को पार करने में 18 सेकंड, मतलब अपने आप को पार करने में 18 सेकंड, ये प्लेटफॉर्म के कारण 39 सेकंड, कितना बढ़ गया, बोलिए सर 18 से 39 हो गया, यानी निश्चित रूप से आपका कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया 21 सेकंड बढ़ गया, कितना बढ़ गया 21 सेकंड, तो ये 21 सेकंड बढ़ा किसके कारण, तो बोले प्लेटफॉर्म बढ़ा जिसके कारण, तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया और क्या, ये समय 21 सेकंड में जितना समय ले रहा है प्लेटफॉर्म को पारने में, तो गुना 21 काटिए, 7 या 21, 6 या 18, क्लियर है, 3 से काटा, 6 से काटेंगे, 6 5 30, 50 बार में 50 गुना 7 7 5 35, 350 मीटर, अब यहाँ क्वेश्चन डबलिंग हो गया था, इसलिए चाल तो पहले आपको ज्ञात करना ही चाहिए था, चाल बराबर दूरी बटा समय, या तो डायरेक्ट हम लोग गुना करें, यहाँ 300 बटा 18, क्यों, क्योंकि सिग्नल को पार करना मतलब अपनी लंबाई, यह चाल हो गया, हम लोग पूछ रहे हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई, लंबाई मैंने दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल और गुना समय, समय 21 सेकंड, 21 सेकंड कहां से आया, क्योंकि सिग्नल को पार कर रहा 18 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में, तो 18 सेकंड घटा देंगे, क्योंकि सिग्नल को पार करना मतलब अपने सेकंड, तो 21 सेकंड, तो हो गया और क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई में दूरी बराबर चाल गुना समय, काट के हम लोग आ गए 350 मीटर, आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, 350 मीटर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, मतलब यहाँ चाल भी दे दिया लंबाई भी दिया, एक पुल को 30 सेकंड में पार करता है, तो पुल की लंबाई, बोले फिर तो वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे रेल की चाल लंबाई दिया है 130 मीटर, चाल तो दे ही दिया है कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा,
यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है या पुल को ही पार कर रहा है, तो पुल की लंबाई पी है, कै सेकेंड में पार कर रहा है, तो 30 सेकेंड में पार कर रहा है। ये सब क्वेश्चन लिखा, आपको लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस सीधा फॉर्मूला लगाना है, लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, तो फिर से बोलिए चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दूरी जुटेगा 130 प्लस पी, चाल कितना, तो बोले सर चाल तो 45 मीटर प्रति सेकंड में, 5/18, समय कितना 30 सेकंड, 30 सेकंड में पार कर रहा है प्लेटफॉर्म को, काटिए 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 2 × 15 = 30, 5 × 5 = 25 और × 15 = 375 आ जाएगा, पी बराबर 375 और -130, तो घट के कितना बचेगा, तो बोले सर ये तो लगता है कि हम लोग का बच जाएगा 245, 245 ही तो बचना चाहिए, 245 बच जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर आ गया कि इसका पुल की लंबाई, पुल की लंबाई 245 मीटर, ऑप्शन से मिला सकते हैं तो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अब ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई, तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूं 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, पुल की लंबाई पी मान लेते हैं, लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुणा कर देंगे, कई सेकंड में 30 सेकंड में, अब काट सकते हैं आप इसको, 6 × 6 = 60, 6 × 3 = 18, 3 × 10 = 30, किसी भी तरीका से काट दीजिए, 10 × 5 = 50 गुना 10 कितना 500, कितना हो गया 500, पी बराबर 500 में 150 घटेगा, 500 में 150 घटेगा, बचे कितना 350 मीटर, यानी कि यहाँ पे पुल की लंबाई हो गया 350 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ लास्ट में, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जितना भी बताएं, आप वीडियो को 2 से 3 बार देख के एक एक क्वेश्चन को लिख के दोबारा बना के आप प्रैक्टिस कर लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप आपको बताऊंगा जिसमें ट्रेन भी दोनों रहेगा, दोनों की लंबाई रहेगा, दोनों का चाल भी दिया रहेगा, तो इस प्रकार चूंकि अलग अलग टाइप का मैं 10, 12, 15 क्वेश्चन बताऊंगा तो आपका ज्यादा क्लियर होते चला जाएगा और वीडियो भी लंबा नहीं होगा, बोर भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन वीवीआई भी है प्लस आपको इसका जवाब देना है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, आपको दिख भी रहा है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। बिल्कुल स्टार्टिंग वाला 4, 5, 6 क्वेश्चन तो वही बताए, तो क्लियर, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर देखा देना है। वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद, लाइक करिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। बेस्ट ऑफ